एवं वृद्ध भद्र पुरुषों, आज आचार्य चांद सिंह जी सफलता के संदर्भ में बात कर रहे थे। 3 दिन से यह कार्यक्रम चल रहा है और अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, संस्कार, वेदों में विज्ञान, इन सभी विभिन्न विषयों पर अपने बड़े सुंदर विचार प्रकट कर रहे थे। सफलता मनुष्य के जीवन में 2 ही चीजों से आती है, एक का नाम है संभावना और दूसरे का नाम है अवसर। संभावना तय करती है कि मनुष्य सफलता के शिखर पर आगे बढ़ेगा या पतन के पराभव को प्राप्त करेगा, संभावना ही तय करती है। एक मनुष्य के जीवन में राम बनने का अवसर भी आता है और रावण बनने की संभावना भी। मनुष्य अपने जीवन में अनगिनत संभावनाओं को लेकर के पैदा होता है और इन्हीं संभावनाओं के चलते हम ही मनुष्यों की श्रृंखला में से अंगुलीमाल भी निकल करके आते हैं, जरासंध निकल करके आते हैं, शिशुपाल निकल करके आते हैं, रावण निकल करके आते हैं, कंस निकल करके आते हैं और हम ही मनुष्यों की श्रृंखला में से राम भी निकल करके आते हैं, कृष्ण निकल करके आते हैं, दयानंद निकल करके आते हैं, शंकराचार्य निकल के आते हैं और स्वामी श्रद्धानंद निकल करके आते हैं और ऐसे अनेक महापुरुषों की श्रृंखला निकल करके आती है। यही संभावना अवसर बनकर के सफलता के शिखर पर मनुष्य तब चल पाता है जब उसे ऐसे वातावरण और ऐसे आभामंडल के साथ विकसित किया जाता है। एक नौजवान पैदा होता है और ऐसे गुरुकुल में आ जाता है, संस्कारों के साथ जीता है, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जीता है, परमपिता परमात्मा का आभार करना जानता है, कृतज्ञता ज्ञापित करना जानता है, तो वो उच्चतम शिखर पर चला जाता है। और एक व्यक्ति पैदा होता है, उसके जीवन में कृतघ्नता आ जाती है, उसके जीवन में बड़ों का आदर नहीं होता, बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, तो उसका जीवन पतन की ओर आगे बढ़ जाता है। हमें लोगों के बीच में से ऐसे लोग निकल करके आए जिन लोगों ने अपने भीतर अपार असीमित संभावनाएं पैदा करी और उनके जीवन उत्कृष्ट हो गए। दयानंद निकल कर के आए तो वो डायरेक्ट दयानंद नहीं बने, पहले मूल शंकर थे, उनके जीवन में एक क्षण आया और वो क्षण जब उनके जीवन में दस्तक दे रहा था, उन्होंने उस संभावना को, उस अवसर को पहचाना और वो दयानंद हो गए। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में एक क्षण आया, उन्होंने उस क्षण को पहचाना और वो मुंशीराम से स्वामी श्रद्धानंद हो गए। नरेंद्र के जीवन में एक क्षण आया, नरेंद्र ने उस क्षण को पहचाना, वो नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद हो गए। भगत सिंह के जीवन में एक क्षण आया, भगत सिंह ने उस क्षण को पहचाना, भगत सिंह शहीद आजम हो गए। संभावना और अवसर का ही पूरा का पूरा खेल है। ये जो गुरुकुल का आभामंडल है, ये हमें इसी विषय से अवगत कराता है कि जीवन में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, कैसे आचरण करना है, कैसे नहीं करना है, किस वाणी को अपने मुंह से बोलना है, किस वाणी को नहीं बोलना है, कैसा स्वभाव करना है, कैसा नहीं करना है, ये करने ना करने का अंतर जो हमें वेद से प्राप्त हुआ, विधि और निषेध, यही गुरुकुलों में सरल रूप से जीवन जीने की कला में व्यक्ति के विकसित किया जाता है। और एकमात्र ऐसा गुरुकुल मैंने देखा जहां पर एक एक विद्यार्थी के शयन कक्ष में एक एक आचार्य की निगाह है। आप ये जितने भी छात्रावास देख रहे हैं, छात्रावास में बच्चा किस समय सो रहा है, किस समय उठ रहा है, कितनी देर पढ़ रहा है, किस दिन उसने क्या पाठ याद किया, क्या कार्य किया, क्या उसने नहीं किया, कितनी शैतानी करी, कितनी नहीं करी, उसका एक एक रिकॉर्ड यहाँ के आचार्य अपने रजिस्टर में रखते हैं। और एक एक लोग रात भर जब पूरा छात्रावास सोता है, प्रत्येक विद्यार्थी सो रहा होता है, तो कुछ आचार्य जाग रहे होते हैं और उनकी निंद्रा पर भी, वो ठीक से सो रहे हैं या नहीं सो रहे, उस पर भी निगाह बना करके रखते हैं। ऐसा गुरुकुल आपको अन्य कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और मैं शुभकामनाएं विशेष तौर पर देना चाहूंगा यहाँ के प्रबंधक और साथ में जो आचार्य कृष्णदेव हैं। ये 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, हम सब सो जाते हैं, उसके बाद वो सोते हैं, हम जब जागते हैं उससे पहले वो जाग जाते हैं।
इस पुरुषार्थ के लिए मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और आप सबको शुभकामनाएं दूंगा कि आपने शिवालिक गुरुकुल को चुना अपने विद्यार्थियों के निर्माण के लिए। और इस वार्षिक उत्सव का जो मुख्य लोगो है, मुख्य थीम है, मुख्य संदेश वाहक है, वो निर्माणम है, व्यक्ति का निर्माण हो, यही आज सबसे महत्वपूर्ण है। वरना धन ऐश्वर्य संपदा हम हर दृष्टि से कमा ही लेंगे, निर्माण होना अति आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे भाई गौतम जी का।